क्या पेश करते हैं हमारा साहब आज के इजलास में? देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहां तक पहुंचती है। हमारे साहब आज का जो इजलास हुआ है, इस इजलास में एक तो ड्राफ्ट आया है, दूसरा कुछ तजावीज जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रही थी, क्या पीपल्स पार्टी की तजावीज सामने आई हैं यहाँ पे इस कमेटी के सामने? पीपल्स पार्टी की तजावीज भी सामने आई हैं और जेवाई पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की पीटीआई के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो सके। इजलास आज दोबारा होगा या कल होगा? कॉन्फ्रेंस के बाद ही, अभी तो इजलास जब खत्म होगा तो पता चलेगा। अब सारा कुछ जो भी होगा ये एससीओ समिट के बाद होगा, इजलास तलब करने का मामला जाहिर है। ये क्या फौरन इतना जल्दी नहीं हो सकता? 25 अक्टूबर तक हो जाएगा ये मामला? मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर कॉन्सेंसस हासिल। जेयूआई पीपल्स पार्टी के साथ मुशतरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर पीटीआई के साथ, क्योंकि कल तो ये खबर हम एक कंसेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके, और जो इत्तेफाक पीपल पार्टी और जेयूआई के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करना। थैंक यू सर।